संभल चंदौसी में सीओ पूनम मिश्रा पर दलित अधिवक्ता के साथ गाली गलौज, मारपीट एवं जाति सूचक शब्दों के साथ हवालात में डालने के आरोप में भड़के साथी अधिवक्ताओं ने सीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोड जाम कर धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने सीओ को हटाने की मांग भी की है। हालांकि इस मामले में उच्च अधिकारियों का किसी प्रकार का बयान सामने नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि दलित अधिवक्ता और सीओ प्रकरण में अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे एक अधिवक्ता साथी है कमल सिंह, वो अपने क्लाइंट के साथ में सीओ साहब के पास गए तो जाति सूचक शब्दों से उनकी बेइज्जती करी, उनके साथ मारपीट की, 151 में उनका चालान किया। तो ये पुलिस की तानाशाही अधिवक्ताओं के साथ में नहीं चलेगी। ये पूनम मिश्रा है, बहुत ही खराब मानसिकता की महिला है। इसने पूरे उसमें जो है हमारे किसी भी अधिवक्ता कभी भी कोई गया हो, पहले भी इसकी बहुत सारी शिकायतें आई हैं, ये कभी भी इसने हमारे अधिवक्ता साथियों का कोई सम्मान नहीं किया है। तो इसको सबक सिखाने का काम करेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे, इसके खिलाफ जो है और आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। पुलिस अधिकारी होने का मतलब पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेरे साथ में मारपीट करी गई और मुझे अपशब्द कहे गए, ये आरोप लगा रहा। आपका क्या कहना है इस मामले में? ये आप ही के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि कोई नाम भी उस व्यक्ति का और इस तरह का आरोप लगा रहा है। कुछ लोग मारपीट कर रहे थे अस्पताल के सामने, शाम को मैं गश्त पे थी तो मैंने उनको लेकर थाने भिजवा जरूर दिया था। मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता है, ना उनकी जाति ना नाम पता है, लेकिन जो गलत कर रहा है, सबके लिए अलग अलग नियम नहीं है, तो उसके तहत उनको थाने भिजवाया था। इसके बाद मुझे अन्य कोई जानकारी नहीं है क्या हुआ था। इनके खिलाफ कोई मुकदमा रखा गया था या ऐसे छोड़ दिया गया था? जो वकील बता रहे हैं 151 में चालान हुआ था। चालान हुआ था तो मारपीट कर रहे थे सड़क पे, मारपीट झगड़ा लड़ाई करने में कम से कम शांति भंग की संभावना रहती है और उसमें 151 की कार्रवाई की। एक कुछ जाति सूख शब्दों का आपको आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में आपको क्या कहना है? मैं उनका नाम ही नहीं जानती तो जाति सूचक तो तब कहूँगी किसी तरह का, कि नाम ही नहीं पता ना जाति पता, तो फिर जाति सूचक की बात कहाँ से आएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। पारा में थाना प्रभारी जयप्रकाश साही के नेतृत्व में उप निरीक्षक सच्चिदानंद एवं गौरव कुमार अपने हमराहियों के साथ 236 सीसी शराब बरामद किए, जो कि चौक घाट से लाया जाता है। पकड़ा गया अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र राजमणि आदिवासी बासी जारी निवासी एवं रामलोचन पुत्र शिवनाथ गांव बढ़ार निवासी। पुलिस थाने लेकर आई दोनों को जारी गन्ने के पास गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी जयप्रकाश साही ने मीडिया को बताया, पकड़े गए अपराधी से कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर जल्द ही बचे हुए अपराधी को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए पुष्पराज सिंह की रिपोर्ट, प्रयागराज। कक्षा 10वीं एवं 12वीं पास करें भवर सेन हायर सेकेंडरी ओपन स्कूल। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पास करने हेतु ओपन बोर्ड से फॉर्म भराए जा रहे हैं। संपर्क करें 9826521245, 9926581330। प्रवेश केंद्र बागेल पेट्रोल पंप के पास, टोटी बैरन, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। जनपद फिरोजाबाद के सिविल लाइन स्थित मुखपाधिर स्कूल में महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही बच्चों को जन्मदिन के अवसर पर फल वितरण किया गया और बच्चों ने वहां अपनी अपनी प्रतिभाओं को भी निहारा। जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। के अवसर पर आज यह भारतीय जनता पार्टी महानगर परिवार के द्वारा मूक बधिर विद्यालय
जो है आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर आज बच्चों के साथ उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। आज के अवसर पर बच्चों को फल वितरित किए गए और हम भारतीय जनता पार्टी परिवार महानगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की दीर्घायु की ईश्वर से कामना करता है और वह अच्छा स्वस्थ जीवन जिए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। ये मामला थाना कटघर क्षेत्र के डबल फाटक का है। यहाँ की रहने वाली प्रियंका सैनी की शादी पीतल नगरी निवासी नन्हे से हुई थी। प्रियंका सैनी के द्वारा बताया गया कि उसके ससुराल पक्ष उसको परेशान करता है और उसका पति उसको जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं पुलिस को पैसे देता हूँ। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। पति के खिलाफ मेरे ससुराल वाले परेशान करते हैं। आए दिन पहले भी मेरी लड़की ख़त्म हो गई और उन्हें घुसेड़ते हैं। 6 महीने से मैं परेशान हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। SSP के एन भी लगा दिया, इधर उधर भटकती रहती हूँ मैं। अब मैला थाने में मैला थाने में नन्हे की आज का बुलाया गया था, कल भी आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फ़ोन पर धमकी देता, कहता चौकी जाओ, थाने जाओ, कोई मेरा कुछ पूछ नहीं कर पाएगा। पुलिस वाला मैं पैसा भर देता हूँ। जिससे होमगार्ड कल 2 पुलिस वाले पहुँचे थे, नन्हे से पूछताछ की थी। कहाँ रहती हूँ मैं? अब तो डबल फाटक पे रहती हूँ। कहाँ वो पीतल बस्ती बलदेवपुरी नन्हे है। वो ये कहता जान से मार दूंगा। एक साल वर्ष मेरा लड़का, मैं रखती हूँ उसे, पाल पोषण करती हूँ। गंदे आरोप लगाता है जिस पर मेरे पे नन्हे की रिकॉर्डिंग है और धमकी भी देता और परिवार वाले भी उसके। बार आऊंगी तो मेरी प्राइवेट फोन गया था मैला थाने से, दरोगा साहब ने किया था। कल भी पहुंची थी मैं, कल भी लौट गई, आज भी आई। आज 2 बजे का टाइम दिया था नन्हे। मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ, नहीं मिलेगा तो इधर उधर भटकती रहूंगी मैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। ये मामला बरेली के थाना इज्जत नगर का है, जहां महिला का पति अनुराग अपने पिता रमेश के साथ मिलकर महिला पर अत्याचार करता था। पीड़ित अंजलि ने बताया कि उसके पति ने अपने पिता और अपनी भाभी के साथ मिलकर उसको खूब मारा। मार खाने के कारण महिला को काफी चोटें लगी। महिला का कहना है कि उन चोटों के कारण महिला ने अपने बच्चे को भी खो दिया। महिला अपने पति अनुराग के घर से आने के बाद चौकी कर्मचारी नगर में इसकी शिकायत की तो महिला और उसके पति का समझौता कराने के बाद एक कॉपी थाने में जमा कर दी। वो कॉपी दोनों को भेज दी गई। वहीं थाने से कुछ दूरी पर जाने के बाद महिला के साथ मारपीट कर महिला को छोड़कर भाग गया। इसके संबंध में थाना इज्जत नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वहीं कुछ दिन बाद अनुराग ने अंजलि को फोन कर ये कहकर बुलाया कि आपसे बात करनी है, लेकिन जब महिला मिलने पहुंची तो वहां पर महिला के पति ने महिला के साथ मारपीट की और महिला के ससुर ने उसके सिर पर तमंचा रख दिया और जान से मारने की धमकी देने लगा। महिला ने ये बताया कि उसे वहां लोगों ने बचा लिया। बाद में इसकी सूचना महिला ने UP 100 पर भी दी। पीड़ित अंजलि ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने महिला के पति व ससुर से पैसे लिए हैं, इसलिए पुलिस महिला डांट फटकार कर भगा देती है और ना ही कोई कार्रवाई करती है। पुलिस पैसे की खनक में इतनी खोई है कि महिला की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। महिला न्याय को दर दर भटक रही है, लेकिन पुलिस पैसे के सामने महिला की कहां सुनने वाली है। अब देखना ये है कि क्या महिला अभी भी यूं ही भटकती रहेगी या उसे इंसाफ मिलेगा। क्या नाम है आपका? अंजलि। कहां रहती हैं? कॉलोनी। क्या मामला था आपका? सर क्या नाम है, कल मेरे ससुर ने मुझे बात करने को बुलाया था। ये लोग आज 15-16 दिन से फरार हैं, मुझे रोड पर देख के मार के। कल मुझसे बोले कि मैं तुझे बात करने, मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे आ जाओ। तो मैं जब बात करने गई, मेरे ससुर और मेरा पति आया और एकदम बीच चौराहे पे सुनसान जगह एकदम मुझे मारने लगा और रिवॉल्वर टेक की। उन्हें पैर भी किया जिससे इनका पैर इनका मिस हो गया था। तो पब्लिक आई, इन लोगों का रिवॉल्वर छीना। इन लोग ये लोग जब मैंने 100 डायल करी तो उनको खाने में लेके आए, तभी पति को लेके आए, तब भी ये लोग इसे छोड़े। और मेरे ससुर को कुछ भी नहीं कह रहे क्योंकि मेरे ससुर अंदर खाने में भी घूम रहे थे। और अभी जब मैं मेरे बाहर रोड पे आया तो मुझे मारा, तभी मेरे ससुर कभी पुलिस वाले नहीं कह रहे। ससुर का नाम क्या है? मेरे ससुर का नाम रमेश चंद श्रीवास्तव। ये कहाँ रहते हैं? कॉलोनी। अच्छा, तो थाने के सामने क्या हुआ? पुलिस
तभी जब मेरे भाई पुलिस लेके आया कि सर मेरी बहन को मार रहे हैं, तो उल्टा पुलिस वालों ने मेरे भाई को ही बंद कर दिया और मेरे ससुर को और मेरे पति को छोड़ रहे हैं। चौकी इंचार्ज का नाम बताएंगे? चौकी इंचार्ज का नाम सर नहीं पता है। कहाँ चौकी पड़ती है आपकी? कर्मचारी नगर। SSI महोदय क्या कहते हैं? SSI महोदय कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर पाएगी, जो मैं कर लूँगा। और ऐसा है, फ़ोन पे बात करते हैं मेरे ससुर से, जो लोग सब पैसा खा के बैठे हैं इसीलिए मेरी नहीं सुन रहे, क्योंकि मेरे पे पैसा है नहीं इन लोगों को खिलाने के लिए। और मैं बिन माँ की लड़की हूँ सर, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पे पैसे है नहीं इन लोगों, मैं तो रोड पे भटक रही हूँ और इन लोगों ने मेरा बच्चा तक मार दिया है। जेठानी ने क्या किया था आपके साथ? मेरा बच्चा मार दिया इन लोगों ने। किसने मारा बच्चा? मेरी जेठानी ने मारा है। क्या नाम जेठानी का? जागृति श्रीवास्तव, जानकी देवी इंटर कॉलेज में पढ़ा। कितने महीने बच्चा था आपका? 3.5 महीने का। अच्छा, किस तरह से मारा, क्या हुआ था? मेरे ससुर, मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ मुझे बाहर खींच के ले जा रहा था कि आज तू घर में ही नहीं रहेगी। फिर मेरा ससुर आया एकदम, बोला अभी कभी तुझे मार ही दे रहा हूँ जान से। तभी मेरी जिठानी आई, इन्हें मेरी लात मारी थी, जिससे मेरा बच्चा मर गया। हस्बैंड का नाम क्या है? अनुराग श्रीवास्तव। क्या करते हैं वो? सप्लीमेंटरी का काम करते हैं फास्टी मार्केट में। आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ सर मुझे इंसाफ मिले, प्लीज़ हाथ छोड़ के मिलती है। सास मेरी, मेरे ससुर मुझे ये लोग नहीं जीने देते हैं, बात बात पे मुझे मारते हैं। कितने सालों का शादी को? सर मेरे साल नहीं है, अभी 11 दिसंबर को शादी हुई है सर मेरी। दहेज मांगते थे? दहेज मांगते हैं सर, कहते हैं कि 5 लाख रुपये लेके आओ, डिजाइन गाड़ी की डिमांड करते हैं। जब से मेरे पापा के डैल नहीं, तब से ये लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जिस दिन से मुकदमा दर्ज हुआ है कोई गिरफ्तारी हुई? सर गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्योंकि मेरे ससुर ये पुलिस वालों को पैसे दे देते हैं और मेरा हस्बैंड इसलिए मुझे नहीं रख रहा है क्योंकि मेरी जिठानी के और मेरे पति के नाजायज संबंध है। ये कैसे पता लगा आपको? सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि 5 बजे मेरे हस्बैंड और मेरी जिठानी गले लगे हुए थे, तब मैंने कलेस करा ये क्या हो रहा है। फिर एक दिन ये लोग नंगे भी नेट हुए थे कमरे क्या, में क्या नाम है इन लोगों का? अनुराग और जागृति। अनुराग, इसलिए ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। लड़की कौन है वो? जागृति। कहाँ रहती है ये? बंडा की रहने वाली, इसका मैका बंडा का है, मगर मेरी ससुराल में ही रहती है, फेस टू कॉलोनी। जेठानी आपकी? हाँ। और आपका जेठ क्या करता है? जेठ सर घर में रहता है, वो आप दलाली खाता है, कुछ नहीं करता है सर वो। ठीक, यहाँ पे आपने SSP महोदय को फोन किया था, क्या कहा SSP महोदय ने? सर मैं कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए साहबर सिद्दीकी के साथ फिरासत खान की रिपोर्ट, बरेली। उत्तर प्रदेश पुलिस की DGP OP सिंह के आदेश पर पूरे प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद हरदोई के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर सोमवार को जनपद के समस्त थाना व कोतवाली पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुधीर शुक्ला के साथ आशा राम की रिपोर्ट, हरदोई। गंगा फार्मा स्टेशन रोड गोंडा, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाओं के थोक एवं फुटकर विक्रेता। जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी हरदोई श्री रविशंकर के नेतृत्व में थाना कछौना के ग्राम गंगाखेड़ा बहदीन थाना साता गांव में आबकारी टीम की दबिश, 35 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, 200 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत रामसागर पुत्र पूरण निवासी सांता 15 लीटर अवैध शराब तथा सरवन पुत्र चैनू 20 लीटर अवैध शराब के खिलाफ 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। टीम में आबकारी निरीक्षक संडीला दिलीप वर्मा तथा प्रधान आबकारी सिपाही राजेश वर्मा, प्रेम वर्मा, सुनील कुमार मौजूद रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुधीर शुक्ला के साथ आशा राम की रिपोर्ट, हरदोई।
मंगलवार को जिलाधिकारी कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, सांसद अशोक रावत, संडीला विधायक पुत्र आशीष अग्रवाल, निदेशक निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें कुल 340 शिकायतें प्राप्त। सामाजिक कार्यकर्ता परमेश्वर दयाल ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि कछौना में आवारा गौवंश की काफी समस्याएं हैं। लखनऊ हरदोई मार्ग पर कोतवाली कछौना व केदारनाथ फिलिंग स्टेशन के पास शाम ढलते ही सैकड़ों की संख्या में आवारा जानवर सड़क पर आ जाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना के साथ बेजुबान पशु भी मरते हैं। इस पर मंत्री ने संबंधित ग्राम सभा पदसेनी देहात में तत्काल गौ आश्रय स्थल बनवाने को निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इस अवसर पर संविदा कर्मी देशराज राज निवासी हिंदू खेड़ा कछौना ने जिलाधिकारी को पत्र देकर आर्थिक सहायता व रोजगार की मांग की है। संविदा कर्मी विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था। ग्राम त्योरी के दर्जनों किसानों ने पत्र दिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आवेदन जमा किया था, परंतु कोई धनराशि अभी तक उनके खाते में नहीं आई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायतों को गुणवत्ता परक तरीके से निस्तारण करें। क्रॉस चेकिंग में शिकायत जांच आख्या गलत पाई गई तो उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही तहसील से वापसी के समय जिलाधिकारी ने ग्राम सभा उत्तर गैया स्थित गौशाला का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने गौ संरक्षा हेतु संबंधित अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुधीर शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बच्चों पर अत्याचार किया। यूपी के हरदोई जिले में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चटिया साहाबाद के बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर पैदल डीएम हरदोई को ज्ञापन देने के लिए निकले। रास्ते में बहटा गोकुल थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चों पर लाठी डंडे से वार किया। बच्चों ने बिजली, पानी, सफाई एवं खाना, ड्रेस जैसी समस्याओं से परेशान होकर डीएम हरदोई को ज्ञापन देने निकले। उनको क्या पता था कि रास्ते में बहटा गोकुल पुलिस उनके लिए घात लगाए बैठ बच्चों को पीट पीट कर इतना घायल कर दिया कि बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा। क्रांतिकारी जनसंघर्ष मोर्चा सामाजिक संगठन के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह ने कहा, यूपी सरकार की पुलिस तो इतनी बौराई है, उनको तो ये भी नहीं पता कि लाठियां किस पर बरसाई जाती हैं। अपने हक की मांग करने वाले अबोध बालकों पर जिस प्रकार से लाठी बरसाकर उन्होंने इतने घिनौने कृत्य को किया है, ये निंदनीय है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुधीर शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। विद्यांचल व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान CCH में प्रवेश। यह एक वर्ष का कोर्स है। एलोपैथी चिकित्सा कार्य करने हेतु संपूर्ण भारत में मान्य। संस्था का संपर्क नंबर 9926581330, दूसरा नंबर 9826521245। बस्ती जिले में आज मोती सिंह कैबिनेट मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बस्ती जिले में कैबिनेट मंत्री को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क दिखी। कैबिनेट मंत्री ने कहा, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना है और लोगों को जोड़ना है, उसी पहल पर हमारी सरकार काम कर रही है। तथा बस्ती पहुंची जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने अस्पताल पहुंचकर कुपोषित बच्चों में फल वितरण किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह मनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें स्वच्छता, कुपोषित बच्चों को ठीक करने, गौशाला में बेहतर सुविधाएं, जल संरक्षण, वृक्षारोपण सहित तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस विभिन्न योजनाओं से इस कार्यक्रम को हमने जोड़ा है ताकि कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। गौशाला में 30 रुपए प्रति पशु के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि गौ हत्या न हो, ये हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों की इच्छा है। किसी भी कार्य को करने में जो चीजें सामने आई है उनका समाधान किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा विधायक अजय सिंह, जिला अध्यक्ष पवन कसोधन सहित भाजपा के नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दिवाकर शर्मा की रिपोर्ट, बस्ती।